Welcome to your channel, Be Always Learner. इस वीडियो में हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स कवर कर रहे हैं. एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन की हमें फिगर्स फाइंड आउट करनी है. इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स, ये हमें लिखने हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट के केस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फिगर इज दिस वन. तो फर्स्ट फिगर की अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी और डी, ये एक हमारे पास गिवन पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के और डीसी इसमें कॉमन बेस है और डीपीसी एक ट्राइंगल. सबसे पहले हमें सेम बेस फाइंड आउट करना था और बिटवीन द सेम पैरेलल. तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल है और सेम बेस है तो हम यहां लिखेंगे यस. ठीक है, नेक्स्ट क्या देना था हमें, कॉमन बेस देना था. तो कॉमन बेस वी हैव टू प्रोड्यूस कॉमन बेस हियर. द कॉमन बेस इज व्हाट, डीसी, राइट. एंड अनदर इज टू पैरेलल लाइन. सो ए बी इज पैरेलल विद डीसी. सो दैट इज द आंसर. सेकेंड पार्ट इज दिस वन. इसमें अगर हम देखें तो एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू बट MN, suppose it is parallel to SR also, but this is not the between the same parallel line. So this gap is making this SMNR smaller. So because of this base, we can say no. It is on the same base, but not between the same parallel line. Third part is that we are having this triangle, quadrilaterals we are having. So SRQP is a quadrilateral that is given to us. अब यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन बेस मानते हैं और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, SR is parallel to this, so and this is between this line also. So we can say yes, this is for same base and between the same parallel line. तो इसका हमें क्या बताना है, कॉमन बेस बताना है. तो कॉमन बेस क्या हुआ इसका, वी आर हैविंग कॉमन बेस क्यू आर इज द कॉमन बेस, राइट. अनदर पैरेलल लाइंस बतानी है तो एस पी इज पैरेलल विद, राइट. नंबर फोर्थ पार्ट पे हमारे यहां, फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज दिस लाइन, दिस बी सी इज पैरेलल विद ए डी बट the triangle PQR is not using the same base, so because it is this shorter from both the sides, है ना. So we can say this is between the same parallel line but the base is not common in this. Next, fifth one. अगर हम fifth की बात करें तो यहां पर AD base के ऊपर दो triangle, AD base के ऊपर दो हमारे पास quadrilateral हैं और this AD is parallel with BQ, right? So, and it is on the common base also. So we can say yes. Okay? And again, we have to write the common base. What is the common base? The AD is the common base, right? So AD is the common base, and in that AD is parallel with BQ. तो ये हमें यहां बताना था. सिक्स्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम यहां हम कॉमन बेस निकालें तो कॉमन बेस पी एस हो सकता है बट दिस पी एस इज पैरेलल विद क्यू आर. तो जो भी हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल देखेंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल में गैप है, इसमें इतना गैप है. तो दिस इज नॉट बिटवीन द लाइन. अगर ये एडी क्यू आर के साथ होता, सेम होता, तो हम इसको कह सकते थे इसमें इतना गैप है. So we have to say no to this figure, कि ये
सेम पैरेलल लाइन के बीच पे नहीं है. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल.